हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। दोस्तों, आप लोग कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि टास्क को कैसे कवर करें। कुछ लोग न्यू मेंबर फर्स्ट टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किए हैं। साथ में देखिए, जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग मैं आप लोगों को देता हूँ, ये आंसर राइटिंग आपकी चेक होगी या नहीं होगी, या फिर किस प्रकार से चेक होगी, इसके बारे में भी बताना है। और साथ में देखिए, टेस्ट जो डेली होता है वो टेस्ट कहाँ से होगा, कैसे ज्वाइन करें, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए, आज मैंने जैसे यहाँ पर कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए दिए हैं, जैसे जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी के आपके कुछ टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। अब देखिए, जो ये टॉपिक हैं, ये कई सारे टॉपिक हैं, क्योंकि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम 2025 वालों के लिए चल रहा है। तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि इनके फुल नोट्स बनाएं, जैसे हुबहू किताब में लिखा हुआ है वैसा ही आप लोग कॉपी में लिखें। ये इससे अच्छा आप लोग यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सिनॉप्सिस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, उस तरह से कुछ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। तो इतना समय नहीं है कि आप लोग पूरा बुक का बुक छापे, तो बुक में जो लिखा हुआ है फिर दोबारा से आप लोग छापने लगते हैं, तो क्या फायदा है उसका। ओके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साथ में देखिए, यहाँ पर मेंस मैं भी आप लोगों को सारी चीजें दिखा भी दूंगा। देखिए, मेंस के मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग के चेक नहीं होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, बस इनको लिख करके आपको ग्रुप में शेयर कर देना है। ओके, आपको टास्क होता है, इस टास्क के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आप लोग लिख करके देते हैं, और एक कब चेक होंगे, किस तरह से चेक होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, इस तरह से बच्चे हैं वो सभी यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को लिख करके देते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो टॉपिक है, यहाँ पर ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी ये मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था, शायद कल दिया था मैं। तो आप लोगों ने इस तरह से इतने लेंथी नोट्स बनाए हैं, तो मैं इतने सारे टॉपिक देता हूँ तो वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो पूरा का पूरा ऐसे नहीं लिखना है, तो सारा का सारा आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, देखिए इसी तरह से मैक्सिमम लोगों ने, ये तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए देता हूँ, तो इस तरह से आपको लिखना है। बहुत अच्छे से लोग लिख करके देते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की। ओके, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चनों की, बहुत सारे मेंबर हैं जो अपना अपना अपनी अपनी तरह से लिख करके देते हैं। ओके, देखिए इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने दिया है, मैं आप लोगों को इधर भी दिखा देता हूँ। तो इधर भी मैंने कुछ डाल करके रखे हैं, तो ग्रुप में बहुत सारे मेंबर शेयर करते रहते हैं। जैसे ये शायद कल का है, राकेश कुमार हैं यहाँ पर, ये डेली क्वेश्चन लिख करके देते हैं इस तरह से आप लोग। तो आप लोग लिखना नहीं जानते, तो दूसरे का क्वेश्चन थोड़ा पढ़, दो चार लोगों का क्वेश्चन पढ़े, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ इस तरह से थोड़ा सा लिखा जाता है। तो देखिए, गाइड भी मिलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम का यही फायदा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा वर्क सेम करते हैं, तो हम एक दूसरे से कुछ चीजें सीख सकते हैं। ओके, इसी तरह से बहुत सारे लोग लिख करके दिए, सभी का दिखाना तो अभी पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, जैसे देखिए मैं इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, इसी तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और दो चार पॉइंट उसमें लिख लेने हैं जो आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स होते हैं, वो की पॉइंट्स इसमें लिखना होता है। इसमें आप लोग फ्लो चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में, मैपिंग के रूप में, डूडल्स के रूप में, तो इस तरह से आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं। तो इन नोट्स को पढ़ने में समय कम लगेगा, बनाने में भी समय कम लगेगा, और पेपर के समय जब पेपर होगा तो क्विक रिविजन भी कर पाएंगे। और पूरा लिखेंगे तो बुक में जो लिखा हुआ भाई वो लिख दिया, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं निकला। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों करना है। और क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम लिखते हैं, क्या हमारे कभी चेक नहीं होंगे? तो आप लोगों के चेक भी होंगे। देखिए चेक कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन मैं फिर से आप लोगों को लिखने के लिए दूंगा। कब दूंगा? आप लोग जानते हैं, देखिए आप लोगों का टेस्ट होता है, क्या होता है आप लोगों का टेस्ट होता है, और मैपिंग टास्क के बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ओके, तो देखिए एक महीने में लगभग में 4 संडे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पहला जो फर्स्ट संडे होता है, सेकंड संडे होता है, थर्ड संडे होगा जो भी महीने का, फोर्थ संडे होगा। तो देखिए जो फर्स्ट संडे होगा, इसका शेड्यूल मैं बना करके दे दूंगा। फर्स्ट संडे को पीटी का फुल टेस्ट होता है, पीटी का फुल टेस्ट होता है। ओके, इसी तरह से देखिए जो सेकेंड संडे होगा, यहाँ पर मेन्स का फुल टेस्ट होगा। किसका? मेन्स का फुल टेस्ट होगा। और फिर आपको पीटी का फिर से फुल टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। फिर से मेंस का आप लोगों का टेस्ट होगा, यानी कि लगभग में 15 दिनों में एक बार आपका मेंस का टेस्ट हुआ करेगा, और 15 दिनों में एक बार इस तरह से आपका पीटी का टेस्ट हुआ करेगा। ओके, महीने में इस तरह से आपके 2 बार टेस्ट हो जाया करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया, इस तरह से आप लोगों का सारा चलेगा। तो जो ये मेंस का टेस्ट जो होगा ना, ये मेंस का जो टेस्ट होगा, ये फुल टेस्ट होगा, इसमें आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए मेंस में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन कौन से होंगे?
ये क्वेश्चन आपके यही इसी तरह के क्वेश्चन सभी होंगे जो इससे मिलते जुलते होंगे, या फिर हूबहू ऐसे ही प्रकार के भी हो सकते हैं। मैं इनमें कुछ थोड़ा सा एड ऑन कर सकता हूँ, जिससे आप लोग संडे को जब भी पूरा टेस्ट लिखेंगे तब ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके रिपीटेड हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन आप दोबारा से लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट टाइम मैं लिखा था। तो यार जब आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते तो आपको लगता है यार दो पॉइंट मेरे छूट गए थे, इनको डाल देते तो बहुत अच्छा रहता। बाद में आपको आंसर लिखने के बाद समझ में आता है यार मैं कई सारी चीजें इसमें इंप्रूव कर सकता था। अच्छा, इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाया था, मैपिंग नहीं बनाया था, उन चीजों को मेरे को डाल देना है इसमें। तो जो संडे को टेस्ट होगा तो फिर से इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, तो इनको आप और अच्छे तरह से लिख पाएंगे, और दोबारा से लिखेंगे तो आपके और ज्यादा इंप्रूव होंगे आंसर। फिर एक आंसर जब आप लिखेंगे फुल टेस्ट जो होगा संडे वाला, इसकी कॉपी भी चेक होंगी। जब ये कॉपी चेक होंगी तो रिव्यू करके आप लोगों को दिया जाएगा कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ा आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है, डेली तो आप लोग चेक नहीं हो रहे, लेकिन संडे को दोबारा से इसी तरह के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो आपके चेक हो जाया करेंगे। कब देखिए, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट संडे और जो थर्ड संडे, यहाँ पर पीटी का फुल टेस्ट होगा, और सेकेंड संडे और फोर्थ संडे होगा जो महीने का, उसमें आप लोगों का मेंस का टेस्ट हुआ करके। इसी तरह से आप लोगों का ये सारा चलेगा। इसके अलावा देखिए डेली भी आप लोगों के टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट जो होता है एमसीक्यूज, इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चन ये होते हैं पी बाई क्यू से रिलेटेड होते हैं, पी बाई क्यू से आप लोगों को रिलेटेड देखने को मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब एमसीक्यूज टाइप होते हैं। ओके, ये आप लोग कैसे देना हो। मैपिंग टास्क भी आप लोगों को दिया है, पहले मैं आप लोगों को टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर मैपिंग टास्क के बारे में भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज। ओके, तो देखिए आप अपना ऐप इंस्टॉल कर लिए होंगे क्लब आईएएस, उम्मीद करता हूँ। देखिए इस तरह से बच्चे, सारे बच्चे हैं वो लिख करके देते हैं, कोई डाउट होता है वो भी पूछ लेते हैं। इस तरह से बच्चे हैं वो पीडीएफ बना करके भी देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। जब ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ये देखिए इस तरह से कॉपी लिख करके दिए हैं। ओके, इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, ये कॉपी लिख करके दिए बहुत हैं। मैं सभी डाउनलोड भी नहीं किया हूँ अभी। ओके, कभी कभार मैं देख लेता हूँ मोबाइल में, तो मोबाइल में डाउनलोड है, यहाँ पर डाउनलोड नहीं है। इस तरह से आप लोग देखेंगे तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर मैपिंग और टास्क ये सारा कंप्लीट किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। अभी मैं टेस्ट के बारे में बताता हूँ, तो आपने जो भी ग्रुप ज्वाइन किया है, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाइएगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में डेली आपको टास्क मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंटेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो देखिए कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, टूडे टास्क, टेस्ट फोल्डर और पीडीएफ डाउनलोड। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही आपको डेली आना है। तो देखिए कंटेंट वाले में आने के बाद टूडे टास्क पर आप आएंगे, तो टूडे टास्क में जैसे ही आएंगे तो डेली यहाँ पर टास्क है वो सुबह तक अपलोड हो जाता है। जैसे आज का टास्क आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा 8 जुलाई Day 7। ओके, 8 जुलाई वाला है ये, थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। ये देखिए 8 जुलाई वाला है, ये आपको दिख गया, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है, टास्क है, इसमें मैंने सारी चीजें बताई थी। तो टास्क तो यहाँ से मिल गया, मैपिंग टास्क भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब टेस्ट कैसे देना है। तो नीचे देखिए एक और फोल्डर दिख रहा होगा, टेस्ट फोल्डर, टेस्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो फोल्डर और दिखेंगे। एक है डेली 20 क्वेश्चन, तो डेली जो मंडे से सैटरडे तक 20 क्वेश्चन होते हैं तो वो इसमें मिलेंगे, और संडे को फुल टेस्ट होता है वो आपको इसमें मिला करेगा। समझ गए आप लोग, तो संडे वाला टेस्ट इस वाले में मिलेगा और जो 20 क्वेश्चन डेली होते हैं वो इसमें मिलेंगे। तो डेली देखिए आपका ये टेस्ट होता है, तो इस तरह से आज साइक्लोन वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसको जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस बताएगा, निर्देश बताएगा, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, फिर आपका ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। आपको इसको इस तरह से अप्लाई करना है और पूरा अटेम्प्ट करने के बाद में सबमिट कर देना है। 3 लाइन्स हैं इस पर, आप 3 लाइन्स पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन पर जंप करना चाहते हैं। किन क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है, देखा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 3 लाइन आपको टॉप राइट कॉर्नर पर आपको दिखाई देंगी। ओके, तो इस तरह से आप अपना टेस्ट है वो सबमिट कर सकते हैं। 30 मिनट अभी दिए जाते हैं, बाद में इस समय को कम कर दिया जाएगा, 20 मिनट कर दिया जाएगा। ओके, इसी तरह से देखिए आपको संडे का फुल टेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो फुल लेंथ टेस्ट पर आएंगे, तो आपको इस तरह से टेस्ट दिख जाएगा। फर्स्ट टेस्ट, इस पर आप लोगों को पूरा टेस्ट देना है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ओके, और इसमें उसी तरह से माइनस मार्किंग होती है, 200 मार्क्स होते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, और ए पी वाई क्यू भी सेम ही क्वेश्चन है, हम आपका पूरा फोकस कराते हैं पी वाई क्यू पर, क्योंकि पी वाई क्यू आयोग किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है, क्या पूछता है, और आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उनसे किस तरह से क्वेश्चन निकालता है, ये सारी चीजें जरूरी है। लोग पी वाई क्यू पर फोकस नहीं करते हैं, वो कोचिंग की टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट पर ही फोकस करते हैं, उधरी लगे रहते हैं, फिर क्या हो जाता है, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है।
तो ये आप लोगों को नहीं करना है, इसी वजह से हमने आप लोगों के लिए सारी चीजें क्या कर दी, व्यवस्थित कर दी। ओके, तो मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों को दिया जा रहा है, सिर्फ 399 रुपए में आपको एक साल तक ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके, और देखिए इसी तरह से आप लोग जो हम पढ़ाते हैं, मतलब जो आप लोगों के लिए पढ़ना होता है वो एनसीईआरटी बुक्स जो देना होता है वो हम इसमें अपलोड कर देते हैं। कुछ लोग एटलस मांग रहे थे, मैंने एटलस भी इसमें शेयर कर दिया है, आप एटलस डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ देर वेट करेंगे क्योंकि एटलस है ये पीडीएफ काफी बड़ी है, तो ये जैसी डाउनलोड हो जाएगी खुल जाएगी, गोल गोल घूमने दीजिएगा, जब तक घूमेगी अपने आप इस तरह से ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ है, तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो एटलस आप लोगों को खरीदना है, ये तो मैंने पीडीएफ में दे दिया है कि आप बाय चांस आप कहीं गए हैं और आपको टास्क कवर करना है, या फिर आपका एटलस अभी आप नहीं लेकर के आए, 2-4 दिनों के बाद लेकर के आएंगे, तो आप यहां से काम चला सकते हैं, लेकिन आपको एटलस तो खरीद के लाना ही है, एनसीईआरटी आपको खरीद के लाना ही, कुछ तो आपको निवेश करना पड़ेगा ना, तो ये चीज आप लोगों को करना है। अब देखिए हम लोग आते हैं मैपिंग टास्क पर, मैपिंग टास्क आपको कैसे कवर करना है, तो देखिए मैं डेली आप लोगों को इस तरह से लोकेशन देता हूँ, साइड में एक मैप दे देता हूँ जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। इस मैप में आप लोगों को लोकेशन सारी नहीं मिलेंगी और ना ही मैं देता हूँ, ये खाका होता है कि आपको एटलस में इस तरह का मैप खोजना है, इस तरह का मैप खोजना है, उसमें कहीं ना कहीं पर ये दे रखी होंगी। जैसे इस बार मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर लोकेशन इस तरह से दिया था जो अटलांटिक ओशन में दे रखी है, और एक कैरिबियन द्वीप समूह है ना, वहां पर ये सारी लगभग में लोकेशन मिल जाएंगी। ओके, और इसमें देखिए मैं वेस्ट इंडीज भी दिया था, तो बहुत सारे लोग नहीं खोज पा रहे थे, आप लोग मैच देखते हैं वेस्ट इंडीज लेकिन ये पता ही नहीं है कि कहाँ पर है आज तक, तो ये देखिएगा। फिर मैंने ये जवाब तो दे दिया था कि जो कैरिबियन आइलैंड है इसी में बहुत सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एटलस में भी नहीं मिलेंगे, वो आपको गूगल करने ले आए, गूगल इंटरनेट आप इतना महंगा रिचार्ज कराते हैं, जियो ने भी अपना रिचार्ज महंगा कर दिया, इतना महंगा रिचार्ज कराते हैं वो सिर्फ रील्स देखने के लिए नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर भी आप लोग उसको जाकर के गूगल कर लीजिए कि हाँ, हमेशा नोरा फतेह को आप लोग गूगल करके देखते रहते हैं, एक बार देख लीजिए कि वेस्ट इंडीज कहाँ पर है, मैप दिखा दो तो गूगल केवल बोल दीजिए, आपको टाइप भी नहीं करना है, गूगल खुद आपको सर्च करके दे देगा। ओके, तो देखिए आप कई सारे लोग हैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ करके अपनी काम को थोड़ा सा आसान कर ले रहे हैं, वैसे चैट जीपीटी है वो भी क्या हो गया, प्रीलिम्स का पेपर में फेल हो गया। देखिए इस तरह से आपको कल मैं और लोकेशन आप लोगों को दूंगा, तो ये चीजें आप लोग, तो देखिए जैसे आप गूगल करते, तो गूगल करने के बाद मेरे पास और भी इमेजेस थी, मैं आप लोगों को ये इमेज शेयर कर सकता था, लेकिन मैं ये इमेज जानबूझ करके शेयर नहीं किया, मैं कर देता तो आपका काम आसान हो जाता, आप लोग मेहनत ही नहीं करते, एटलस खोज करके ही नहीं देखते, आप दिमाग ही नहीं लगाते, दिमाग लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, सिर्फ और कोचिंग या फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर के यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। वन डे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्य एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस के लिए आपको खुद से काम करना होगा, पढ़ना होगा, कोई कितना भी गाइड कर ले, कितनी भी क्लासेस आपको दे दे, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे वेस्ट इंडीज में कौन कौन से देश आते हैं, गूगल करते हैं आपको एकदम मिल जाता तुरंत। ओके, तो परेशान नहीं होना, इस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि 4-5 मोबाइल सामने खोल करके एप्पल का टैब ले करके फिर पढ़ाई करना स्टार्ट किए, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीका क्या है, कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ लेना, ज्यादा चीजों को समझ लेना, ज्यादा आउटपुट दे देना, यही क्या है, स्मार्ट स्टडी है, और उसी पर सिर्फ फोकस करना जो पेपर पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसी चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना जो पेपर में पूछे ही नहीं जाते। तो उम्मीद करता हूँ, और हाँ यहाँ पर ये आपको इस तरह से खोजनी है, खोजने के बाद आपको एक मैप भी बनाना होता है। देखिए अगर मेरे पास मैप बच्चों ने बना करके सेंड किया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से आपको जैसे भी बना पाए, ऐसा नहीं बना पा रहे हैं और इससे बेकार बना पा रहे हैं, देखिए नीचे ये दक्षिण अमेरिका ऐसा लग रहा है, कह रहा है जैसे कि मूली गाजर है उस तरह से लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मूली गाजर नहीं है, डंडा ही बना पा रहे हैं, डंडा ही बना दीजिए, एटलीस्ट इस बच्चे ने कोशिश तो की है, हल्के हल्के इम्प्रूव होगा और अच्छा मैप बनाएंगे हल्के हल्के, अभी तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने दक्षिण अमेरिका का मैप बनाया होगा, हल्के हल्के और देखेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। तो ऐसे ही आप लोगों को जो मैं मैपिंग लोकेशन देता हूँ उसको आपको खोजना है। ओके, क्या करना है आपको, खोजना है इस तरह से, और खोज करके अपने, और एक अलग से कॉपी बनानी है, ऐसा नहीं है कॉपी एक पेज आज काम दिया वो काम करके अब फेंक दिया ऐसे करके, नहीं फेंकना नहीं है, उसको रखना है, जैसे किसी ने लव लेटर लिख करके देता आप लोग संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही इन नोट्स को आपको संभाल के रखना है, जिंदगी में हमेशा आपके काम आने वाले हैं। ओके, जब जब तक आप लोग पेपर देंगे तब तक आपके काम आएंगे, और नहीं रखेंगे तो बार बार आप काम करेंगे कुछ समय के बाद में भूल जाएंगे, अभी तो आपको सब याद होगा यार कहाँ कहाँ पर कौन सी लोकेशन थी, 3 महीने के बाद में तोते उड़ जाएंगे, कबूतर उड़ जाएंगे,
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि टास्क कहाँ पर मिलेगा, टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, मैपिंग टास्क कैसे कवर करना है। बस आपको मैपिंग टास्क में सिर्फ लोकेशन आपको खोजना है। इन लोकेशन के बारे में मैं आपको 15-20 दिन में एक बार क्लास दिया करूंगा। इस सारी लोकेशन के बारे में मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से डेली आपको टास्क कवर करना है। आपको इसके फुल नोट्स नहीं, फुल कॉपी में ऐसे ही नहीं छाप लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। ओके, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम को, वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, या फिर ऐप में बैच कैसे ज्वाइन करें, तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके।